अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी पढ़ने से पहले आप रिवाइज कर लें गैसेस का जो जनरल बिहेवियर है, कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो अगर किसी भी कंटेनर में डाले जाएं तो उसकी जितनी भी कंटेनर की स्पेस होती है वो उस स्पेस को रेंडमली मूव करके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऑल द गिवन स्पेस। अब उस गिवन स्पेस में गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं हर वक्त इन द फॉर्म ऑफ मोशन हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन में, ठीक है। तो आज इस वर्ड कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है और जो उसकी उसका बिहेवियर है उसको माइंड में रखना है, ठीक है, कि किस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक थी और उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो हर वक्त हर तरफ हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे थे और इस दौरान वो कोलाइड भी कर रहे थे। अब इन मूविंग जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर अगर किसी किस्म का प्रेशर एग्जर्ट किया जाए तो उस प्रेशर की वजह से ये जो है, क्योंकि एरिया अगर कम हो जाए, लेट्स सपोज कि ये एरिया इतना कर दिया जाए, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं इतनी सी जगह में भी एडजस्ट कर लेंगे। किस तरह एडजस्ट कर लेंगे, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। कि देखें, अगर आपको इसी कंटेनर को आप मूवेबल पिस्टन के साथ किसी वेट के थ्रू आप इसे इसका वॉल्यूम जो है वो कम कर दें, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अब इतनी सी जगह में एडजस्ट कर लेंगे, रहेंगे फिर भी कंटिन्यूस मोशन में, ठीक है। और अगर वॉल्यूम इससे भी कम कर दिया जाए तो और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे। वर्ड टर्म्स इज कंप्रेसिबिलिटी, तो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे। तो इससे साबित हुआ कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स को जगह अवेलेबल होगी वो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, अनटिल और अनलेस कि वो एक बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाएं। और गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा एट लो टेम्परेचर, तो वो चेंज हो जाती हैं लिक्विड में। ये गैसेस की प्रॉपर्टी है। और जो गैसेस चिल्ड फॉर्म में होती हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, कंप्रेस फॉर्म में होती हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये अगर आपने कभी गौर किया हो तो जो सीएनजी स्टेशंस हैं उसके ऊपर अक्सर लिखा होता है हाईली कंप्रेस्ड चिल्ड गैस। तो हाईली कंप्रेस्ड चिल्ड गैस का बिहेवियर बता के वो क्यों उस गैस सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है गैस मॉलिक्यूल्स वो ऑक्यूपाइड होते हैं और आपको ज़्यादा फ्यूल मिलता है। जितनी ज़्यादा गैस कंप्रेस होगी मतलब उतने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स का आपके पास वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, इसको फिर हम सिंपली एक बैलून से अगर एक्सप्लेन करना चाहें कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस से, तो इस बैलून को हम थोड़ा सा फिल करते हैं। एक बलून को हल्का सा फिल करके उसको लूज टाई कर लिया है, और इस लूज टाई बलून को अगर मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई करूं इसके जहां से मैंने नोट बनाई है वहां से, मैं नोट देखें आगे की तरफ अगर बनाऊं तो गैस का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये देखें इसका साइज जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। पहले भी उतनी गैस थी, इसमें से बाहर नहीं निकली, ठीक है। अब मैंने नोट को नीचे थोड़ा करके बनाया तो और हो गई है। अब अगर मैं प्रेशर को और इंक्रीज करूं, इस गैस को और कंप्रेस करूं, तो देखें इट इज स्टिल देयर, साइज और छोटा हो गया, और ये इतना इतना बलून जो है वो अब अभी फिलहाल स्पेयर है। Let it focus. ये देखें इसका जो साइज है और ज्यादा बलून का साइज छोटा हो गया। और जब तक मैं इसको इसका जो साइज है इस पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज करती रहूंगी, तो जितनी इसकी प्रेशर को बेयर करने की इस बलून की एबिलिटी है वो उस प्रेशर को बेयर करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ये बलून फट जाएगा। अब देखें ये इतना सारा बलून जो है मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, उस पर प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये जो इतना सारा बलून है ये स्पेयर हो गया।
नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगी तो ये सारी जगह जो है बलून ले लेगा, अब उतना ज़्यादा आपको टाइट फॉर्म में नहीं लग रहा। सो दैट से ऑल द गैसेस हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स जो कि दूर दूर हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करने से वो नज़दीक आ जाएंगे और जो है उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। इस फॉर्म में बलून का साइज थोड़ा बड़ा है और जब मैं इस पर प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो वो छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ साइज जो है वो बलून का छोटा होता जा रहा है। दैट से ऑल द गैस विद इन दिस बलून इज कंप्रेसिबल। ओके जी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज से अबाउट द मोबिलिटी। द करेक्टर ऑफ गैसेस इज मोबिलिटी। मोबिलिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द मोबाइल, जो कि बता रहा है किसी भी चीज़ की मूवमेंट के बारे में। और मोबिलिटी को समझना बहुत आसान है, आपने डिफ्यूजन के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कमरे के कॉर्नर में कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम स्प्रे करके, तो वो उसकी में आपने देखा था कि पूरे कमरे में आपको उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। किस वजह से? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑल इन द स्टेट ऑफ मोशन हर वक्त। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मोबाइल हैं, उनकी जो मोशन है वो हर वक्त होती रहती है उनकी, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और जितनी स्पेस उन्हें गिवन हो वही स्पेस वो अटेन कर लेते हैं। सो ये सेम बात है जो हमने डिफ्यूजन में सीखी थी, लेकिन उसमें हमने से पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कि विद द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन विद एट द टूवर्ड्स द लेट एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जस्ट उसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की कि मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। इसके लिए अगर आप कॉमन एग्जाम्पल चाहें तो आप किसी भी गाड़ी से निकलते हुए धुएं को देख सकते हैं। गाड़ी से निकलता हुआ धुआं हमें थोड़ी देर तक कुछ कंसंट्रेटेड फॉर्म में ग्रेश फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, नहीं नज़र आ रहा होता। तो वो कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस में जो उसके इर्द गिर्द स्पेस है एयर है उसमें अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। ये टॉपिक था आपकी बुक पेज नंबर 77 से टॉपिक 5.1.4 एंड 5.1.6 कंप्रेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी। ओके, व्हाई द गैसेस आर कंप्रेसिबल इज फ्रॉम योर टेस्ट योरसेल्फ 5.1। द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस आर कंप्रेसिबल ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। इट्स इंपॉर्टेंट टू, सो आप इसको क्वेश्चन को कॉपी में भी लिख लें। It's an important short question. Why gases are compressible? The next property of gases to discuss here is density. The density of gases. Okay, what the density is? Density क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ की mass over volume की जो ratio है उसको हम कहते हैं in the terms of density. ये क्यों चीज़ कितनी dense है, यानी उसकी mass and volume में क्या रेशियो है। तो गैसेस के बारे में जब आप ये बात करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि गैसेस जिनका मास बहुत ज़्यादा लाइट है और वॉल्यूम वो उतना ही ऑक्यूपाई कर लेती हैं जितना उनको गिवन होता है, तो उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। डेंसिटी ये तीनों स्टेट्स में से सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज में से जो गैसेज हैं उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। दैट इज 1000 टाइम लेस डेंस देन लिक्विड एंड सॉलिड्स। और जो इसकी डेंसिटी है गैस की डेंसिटी, इसको शो करते हैं हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, यानी इसका मास जो है वो ग्राम में और जो उसका वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। और लिक्विड एंड सॉलिड्स जो हैं वो उनकी डेंसिटी इसको शो करने के लिए हम सेंटीमीटर में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में शो करते हैं। इसकी रीज़न मैं आपको जब हम पढ़ेंगे लिक्विड एंड सॉलिड की डेंसिटीज तब भी बताऊँगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एज कंपैरिजन विद द लिक्विड एंड गैसेस, जो गैसेस की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये डेंसिटी जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर गैस का इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये ज़्यादा वॉल्यूम लेती जाएगी, फैलती जाएगी,
और फिर जो है इसकी डेंसिटी और ज़्यादा कम होती जाएगी। लेकिन इन द अदर से इन द इन इट्स कंट्रास्ट, इसकी गैस गैसेस की डेंसिटी को अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करेंगे, गैसेस को कूल करेंगे। जैसे मैंने भी आपको कंप्रेसिबिलिटी में एग्जांपल दी है कि जो सीएनजी पंप्स पे गैस सेल हो रही होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो चिल फॉर्म में होती है और कंप्रेस फॉर्म में होती है। तो वो चिल फॉर्म में और कंप्रेस फॉर्म में इसीलिए ही होती है ताकि आपको गैसेस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा मिले। सो जैसे जैसे आप गैस को कूल करते जाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम कम होता जाएगा सॉरी, और वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो साथ साथ यहाँ पे आपकी जो गैसेस की डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस जो है उसकी डेंसिटी है 1.4 ग्राम डेसीमीटर पर क्यूब। और अगर आप इसका ये हो है जी टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस अगर है टेम्परेचर, ठीक है, तो इस कौन सी गैस की बात हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को लो करें, टेम्परेचर को ले आएँ 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पर जो आपकी डेंसिटी है ऑक्सीजन गैस की वो इंक्रीज कर जाएगी, दैट इज 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो जो गैसेज हैं वो कंप्रेस फॉर्म में आती जाएंगी और कंप्रेस होंगी, कंप्रेस होने की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Here, why are the density of gases lower than that of the liquids? So simple, इसी से आपने इसका आइडिया लेके इसको अपनी कॉपीज पे नोट करना है और इसको साथ सॉल्व करना है। तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज जो आपने आज पढ़ी, द कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड द डेंसिटी ऑफ गैसेज।